नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी और एक नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला जी की सभी प्रोड्यूस की गई फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। सो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से करें। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साजिद नाडियाडवाला जी ने अपनी प्रोड्यूसर करियर की शुरुआत साल 1992 में आई जुल्म की हुकूमत फिल्म से करी। ताकतवर होने का ये मतलब तो नहीं कि हम किसी की आजादी पर पाबंदी लगा दें। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आखिर डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है। इस फिल्म की बजट थी 2,60,00,000 की और इसने 6,80,00,000 की कमाई करी। और दोस्तों इनकी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर हिट रही। इसके बाद 1993 में आई वक्त हमारा है, फिल्म की बजट थी 1,85,00,000 की और इसने 2.5 करोड़ की कमाई करी और यह एवरेज रही। अगली फिल्म साजिद जी की आई साल 1995 में आंदोलन। इस फिल्म की बजट थी 3,75,00,000, कमाई करी इसने 10 करोड़ की और दोस्तों यह फिल्म हिट रही। इसके बाद 1996 में साजिद जी की फिल्म आई जीत। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 7,25,00,000 की। वहीं इस फिल्म ने 29 करोड़ की कमाई करी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली फिल्म आई इनकी 1997 में जुड़वा। अबे देख क्या रहा है लुके? इसे बोलते हैं जुड़वा। हेलो ब्रदर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। वेट, 4 फटके मार के आता हूँ मैं अभी। इस फिल्म की बजट थी 6,25,00,000 की और इसने 24,30,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह फिल्म हिट रही। अगली फिल्म आई साल 2000 में हर दिल जो प्यार करेगा। इसकी बजट थी 13 करोड़ और इसने 32,45,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद 2004 में आई मुझसे शादी करोगी। माल है यार। माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। बजट थी फिल्म की 19 करोड़ और इसने 56 करोड़ की कमाई करी थी और यह हिट रही। इसके बाद साल 2006 में साजिद जी की प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई जाने मन। इस फिल्म की बजट थी 35 करोड़ और इसने 46,27,00,000 की कमाई करी और यह बिलो एवरेज रही। अगली फिल्म आई साजिद जी की साल 2007 में हे बेबी। फिल्म की बजट थी 30 करोड़ की और इसने 84 करोड़ की कमाई करी और दोस्त यह फिल्म हिट रही। इसके बाद 2009 में आई कमबख्त इश्क। फिल्म की बजट थी 65 करोड़, वहीं इसने 85,56,00,000 की कमाई करी और इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। इसके बाद 2010 में साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई हाउसफुल। माय नेम इज आरुष और मैं सौंदर्य भाग्यलक्ष्मी वेंकटेश्वरी बासपा राव। ये आपका नाम है या पूरे गांव का? प्राडा, बेटा एक शेर सुनाओ। छोटा नहीं, बड़ा वाला। फिल्म की बजट थी 38 करोड़ और इसने 123,69,00,000 की कमाई करी थी और दोस्तों यह फिल्म हिट रही। और इसी साल ही आई अनजाना अनजानी। इस फिल्म की भी बजट थी 38 करोड़ और इसने 69,85,00,000 की कमाई करी और यह तो एवरेज रही। इसके बाद 2012 में साजिद जी की फिल्म आई हाउसफुल 2। 48 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने 188,41,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद 2014 में आई हाईवे। 25 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 52,44,00,000 की कमाई करी और दोस्त यह हिट रही। इसके बाद आई थी 2 स्टेट्स। दुनिया में शादी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्यार। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना 2-4 स्टेप्स और होते हैं। लड़की की फैमिली को लड़के से प्यार होना चाहिए। अंकल अनन्या घर पे, और लड़के की फैमिली को लड़की से। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं अनन्या, कृष की फ्रेंड। इस फिल्म की बजट थी 35 करोड़ और इसने 177,73,00,000 की कमाई करी और मेरे दोस्त यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही। और इसके बाद आई थी हीरोपंती। ओ, हीरोपंती करेगा? क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं।
इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 25 करोड़ की और वहीं इसने 77 करोड़ 90 लाख की कमाई करी और यह फिल्म तो सुपर हिट रही। और इसी साल ही साजिद जी की प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई किक। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। बात की जाए बजट की तो इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 115 करोड़ की। वहीं इस फिल्म ने 389 करोड़ 97 लाख की बम्पर कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी 2015 में फैंटम। बजट थी फिल्म की 70 करोड़, कमाई इसने 81 करोड़ 62 लाख और यह फ्लॉप रही। और इसी साल ही आई तमाशा। 80 करोड़ की बजट थी फिल्म की और इसने 132 करोड़ की कमाई करी थी और यह भी फ्लॉप। इसके बाद साल 2016 में साजिद जी की फिल्म आई बागी। एक बागी और एक सिपाही में ज्यादा फर्क नहीं होता। बागी बनो, बी अ रेबेल, और किसी मकसद के लिए। इस फिल्म की बजट थी 37 करोड़ और इसने 127 करोड़ की कमाई करी। इसी के साथ ही यह सुपरहिट रही। इसी साल ही आई हाउसफुल 3। 85 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 194 करोड़ 48 लाख की कमाई करी और दोस्त यह हिट रही। और इसी साल ही आई थी ढिशुम। 61 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 119 करोड़ की कमाई करी और इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। इसके बाद 2017 में आई थी रंगून। 80 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने मात्र 41 करोड़ 14 लाख की कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो डिजास्टर रही। और इसी साल ही साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई जुड़वा 2। भाई ला जुड़वा, ओरिजिनल जुड़वा, यू टू जुड़वा 2। इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 63 करोड़ की। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 218 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 2018 में साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई बागी 2। वन मैन आर्मी के बारे में सुना है? वो अकेला ही फौज के बराबर है। ये तो फौजी है। हमका तुझे हमने इतना टॉर्चर किया, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मामा है। इस फिल्म की बजट थी दोस्तों मात्र 75 करोड़ की। वहीं इसने 257 करोड़ 10 लाख की ताबड़तोड़ कमाई करी और इसी के साथ ही यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2019 में आई कलंक। 150 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 151 करोड़ 91 लाख की कमाई करी और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल ही साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई सुपर 30। अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राम है सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोती है, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको सलाह छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। इस फिल्म की बजट की बात की जाए तो फिल्म की बजट थी दोस्तों 65 करोड़ की। वहीं इस फिल्म ने 208 करोड़ 93 लाख की ताबड़तोड़ कमाई करी और मेरे दोस्त यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल ही साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई छिछोरे। पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ, जहाँ अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। और ऐसे वैसे दोस्त नहीं, कुत्ते दोस्त। वो तेरे को गाली देके गया है, माँ बहन की गाली देके गया है, क्या बोलेगा अंदर से। इस फिल्म की बजट तो थी दोस्तों मात्र 62 करोड़ और इसने 212 करोड़ 67 लाख की ताबड़तोड़ कमाई करी और दोस्तों इसी के साथ ही यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। और इसी साल ही आई हाउसफुल 4। इस फिल्म की बजट थी 105 करोड़ और इसने 290 करोड़ की कमाई करी और दोस्तों यह फिल्म तो सुपरहिट रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2020 में बागी 3। फिल्म की बजट थी 80 करोड़ और इसने 142 करोड़ की कमाई करी। इसी के साथ ही इसे एवरेज करार दी गई। अगली फिल्म आई इनकी 2021 में तड़प। फिल्म की बजट थी 21 करोड़ और इसने 34 करोड़ 96 लाख की कमाई करी और दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। और इसी साल ही आई थी 83। इस फिल्म की बजट तो थी 220 करोड़ लेकिन इसने मात्र 193 करोड़ की ही कमाई करी और यह फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद 2022 में साजिद जी की फिल्म आई बच्चन पांडे। इस फिल्म
फिल्म की बजट थी 165 करोड़ और इसने 74 करोड़ 2 लाख की ही कमाई करी, जिस वजह से यह फिल्म तो डिजास्टर रही। और इसी साल ही आई थी हीरोपंती 2, इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 80 करोड़, वहीं इसने मात्र 28 करोड़ की ही कमाई करी थी, जिस वजह से यह फिल्म भी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2023 में साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई सत्य प्रेम की कथा। फिल्म की बजट थी 60 करोड़ की और इसने 127 करोड़ 60 लाख की कमाई करी। और दोस्तों यह फिल्म हिट रही। और इसी साल ही आई थी बवाल और इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पे रिलीज की गई थी। इसके बाद साल 2024 में साजिद जी के प्रोड्यूसिंग में बनी फिल्म आई दोस्तों चंदू चैंपियन। इस फिल्म की बजट थी 80 करोड़ की और इसने 87 करोड़ 25 लाख की कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो फ्लॉप रही। तो दोस्तों यह थी प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला जी की अब तक की सभी फिल्म को प्रोड्यूस की गई फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट की तमाम डिटेल्स। आपको इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्द किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।